बैठ जाइए सर, बैठ जाइए सर, प्लीज बैठ जाइए। नहीं मुझे खैर कॉपी दो, मुझे खैर कॉपी दो, मैं से नहीं जाऊंगा। मैडम क्या मामला है, किस लिख रहे जी मैं? अरे यार ये माइक तो पकड़, माइक मैडम बोलिए प्लीज, ये माइक ये दे दे, ये दे दे मैडम बोलिए प्लीज। लेट लगा रहे, तुम लेट लगा रहे हो, लाया गया है तो यहां के लिए क्या बात आपकी हो पाई रे यार, प्रेम दबे पर हम कहां जाएंगे जी मैं? ऑडियो किससे आ रही है, क्या हो गया मैम? जैसे देखिए जब से अमिताभ ठाकुर जी ने योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने की बात कही है, उसके बाद से, और गोरखपुर जाने की बात कही, उसके बाद से अनवरत हमारी प्रताड़ना शुरू हो गई। पहले जाने से रोका गया, दो तीन दिन तमाम पुलिस फोर्स हमारे घर के बाहर रखे, नजरबंद रखा गया, और उसके बाद आज फिर कल गोरखपुर जाने की बात की। आज पहले हमारे घर पे सुबह फिर कई सारे पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, और दोपहर में तमाम मैं पुलिस फोर्स के साथ आए और ये कहा कि हमारे साथ चलिए। कोई कारण नहीं बताया, कारण पूछने पर स्पष्ट नहीं किया कि क्यों है, केवल इतना कहना था कि हम कह रहे हैं हमारे साथ चलिए। ये पूछने पे कि क्या आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो ये कहा गया हमें पूछताछ करना है, और साथ में ये भी कि जिस तरीके से पूछताछ में ये हम लोगों ने कहा कि अगर पूछताछ करनी है आप यहाँ भी कर सकती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हमारे साथ चलना ही होगा और आप चलिए, उस जबरदस्ती घर से खींच के ले आए हैं। जब पूछने पे कोई कारण नहीं बताया, मीडिया के जरिए जो कारण पता लगा वो ये कारण पता लगा कि दिल्ली में एक युवक युवती ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह किया था, उस मामले में इनको अरेस्ट किया जा रहा है, जबकि घटनास्थल दिल्ली की है, जो भी अगर कार्रवाई होती वहाँ पे होती, प्योर राजनीतिक कारण से परेशान करने को जबरन ला के अभी मुझे बताया गया है कि उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन कोई सूचना नहीं दी गई है। और गिरफ्तारी की जो लॉ कहता है कि फैमिली मेंबर को भी अरेस्ट करने की सूचना दी जाएगी, घर से जबरन उठा के लाए, जब यहाँ आने पे पूछने पे ये नहीं बता रहे हैं कि क्यों अरेस्ट किया, किस कारण से किया, आधिकारिक रूप से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किया है ताकि हम जो लीगल कोर्स हो सकता है उसको अडॉप्ट कर सके। जो बताया जा रहा है कि जो कमेटी जांच कर रही थी नीरा रावत मैडम उसकी कमेटी की रिपोर्ट पर हजरतगंज कोतवाली में, जिसमें पूर्व सांसद अतुल राय नामजद है और अमिताभ ठाकुर नामजद है। जैसे देखिए चूंकि जिस तरीके से सरकार है, अगर केवल पीड़िता के बयान को देखा जाए तो पीड़िता ने तमाम अधिकारियों के बयान दिए थे, अगर उसके मरने के पहले की बात को ही सही मानी जाए। मेरे पास ऐसे फुटेज है जिसमें पीड़िता ने मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के लिए तमाम बातें कही हैं, और उनको भी आरोपित किया है कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें योगी जी भी जिम्मेदार हैं, तो क्या उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा? मैनिपुलेट करके FIR लिखना, आपके पास ताकत है, आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, अब तो गोली भी मरवा सकते हैं। यहाँ से कहेंगे मुझे दिल्ली ले जाना है क्योंकि यहाँ की घटनास्थल नहीं है।